राखी प्लीज रुको ना यार, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। राखी प्लीज छोड़ो ना, वापस चलो ना। छोड़ो मुझे। क्या हुआ है, किसी बात पे कोई ऐसा थोड़ी करता है यार। मैंने हर बार तुम्हारी बात मानी है, मैं और हैंडल नहीं कर सकती। राखी प्लीज शांत हो जाओ, छोड़ो ना यार, कुछ नहीं हुआ यार। आई जस्ट वांट टू डाई। राखी प्लीज यार, क्या कर रही हो? मर चुका है। What? ट्रेन से गिर के मर गया? हाँ जी, वो ऊपर है। आप कौन? मैं नीला। सूर्यमणि मेरे चाचू हैं। उनकी तबीयत काफी खराब रहती है। चाचू, चाचू। नहीं, आप बैठिए, बैठिए। शुक्रिया यहाँ आने के लिए। ये मेरी भतीजी है नीला जी। अब लेकिन ये घर में इतना अंधेरा क्यों है, और आपने मुझे ऐसे चोरी छुपे मिलने के लिए बुलाया? क्योंकि इस वक्त मैं किसी का भी भरोसा नहीं कर सकता। क्या क्या मतलब? जब से चाचू को पता चला है कि शिलोपुर गांव के पास उस रेलवे ट्रैक पे एक आदमी की लाश मिली थी, तब से वो बहुत घबराए हुए हैं। ये देखिए। ये तो एक मजदूर है जो एक एक्सीडेंट में मारा गया। रेलवे पुलिस के पास इसकी लाश थी। इसकी मौत से आप क्यों परेशान है? वो एक्सीडेंट में ही था। एक्सीडेंट नहीं था, क्या मतलब? वो मजदूर नहीं था, मेरा आदमी था। आपका आदमी? मनीष, मेरा अंगड़िया। अंगड़िया? उस रात वो ट्रेन में मेरे हीरे लेके जा रहा था, पूरे 30 करोड़ के हीरे जो चोरी हो गए। सर, 30 करोड़ के हीरे ट्रेन में ये लेके जा रहा था? ये सुनकर तो पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ। क्या बोला सर आपने? अंगड़िया। मान लो जैसे कोई प्राइवेट सीक्रेट कुरियर सर्विस जैसा कुछ है। ये लोग एक शहर से दूसरे शहर सामान लेकर जाते हैं और ज्यादातर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। सर, जैसे वो हवाला किया जाता है? नॉट एग्जैक्टली पंकज, लेकिन वैसा ही कुछ। ये अंगड़िया लोग सिर्फ डायमंड्स नहीं, कैश, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी पेपर जैसी चीजें भी लेकर जाते हैं ट्रेन में, ताकि किसी को शक ना हो। राइट। ऐसे लगता है जैसे इनका ट्रेन में कोई सीक्रेट नेटवर्क हो। वैसे तो ये लोग एकदम ऑर्डिनरी लोग है, साधारण से लोग, मगर जब ये लोग कुरियर लेकर जाते हैं तो अपने आप भेष बदल के जाते हैं, जैसे ये बिजनेसमैन या कोई किसान या मजदूर, ताकि इन्हें कोई पहचान ना ले।
जाना है क्या? हाँ, आज रात की ट्रेन से सूरत जाना है। तुम जानते हो ना क्या कुछ हो रहा है आजकल अंगड़ियों के साथ? जो कुछ भी हो रहा है ना उनकी गलती की वजह से हो रहा है। अरे ये कोई कैसे जान सकता है कि कौन सा अंगड़िया कब कहाँ और क्या सामान लेके जा रहा है? देवी, देवी प्लीज छोड़ दो ये सब काम। तुम जानती हो ना इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर ये काम छोड़ दूंगा तो खाएंगे क्या? और ये काम हमारे पुरखे करते आ रहे थे, इतने सालों से हम यही काम कर रहे हैं। मेरी आने वाली पीढ़ियां ये काम नहीं करेंगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा जिस पर तुम्हारी जान का खतरा हो। अब ये काम ले लिया ना हाथ में तो ये काम पूरा करने दो। और वैसे भी आज तक मुझे कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं होगा मुझे। प्रॉमिस करो कि फिर ये आखिरी बार है, अब कभी नहीं जाओगे। अच्छा प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है अब मैं जाऊं, तैयार हो जाऊं, मुझे लेट हो रहा है। रोजाना ट्रेन्स में 100 से 200 करोड़ का सामान सर कुरियर हो जाता है, और ये अंगड़िया इन चीजों को यहाँ वहां मतलब अपने कपड़ों पे, जूतों में और पगड़ी में, ऐसी जगह पे मतलब अपने बॉडी पे छुपा कर ले जाते हैं। परेशान मत हो, अच्छा इसीलिए इनका नाम पड़ा है सर, अंग गड़िया। सर 100-200 करोड़ डेली, और हमें पता भी नहीं चला कि ऐसा भी कोई बिजनेस होता है। उसकी वजह है, वैसे कहते हैं कि बिजनेस में किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इन अंगड़ियों का पूरा बिजनेस भरोसे पे ही चलता है पीढ़ियों से। ये बड़े बड़े बिजनेस मैन और ये डायमंड मर्चेंट जो है ये ऑनलाइन पेमेंट के बजाय इन अंगड़ियों का पेमेंट सर्विस ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें रिस्क बहुत है, उसी हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। ये अंगड़िया कब कहां और कितना माल लेके जा रहा है ये उसे और उसके मालिक के अलावा किसी को पता नहीं होता। लेकिन इस मनीष के केस में किसी तीसरे को भी पता था। आप अभिजीत इतना फुल प्रूफ सिस्टम होने के बावजूद भी किसी को पता कैसे चला कि मनीष मजदूर बनकर जा रहा है? हाँ सर, उसे मालूम था कि वो 20 करोड़ के हीरे लेकर जा रहा है। उसने पहले मनीष से वो हीरे छीने और फिर उसे चलती ट्रेन में से धक्का दे दिया।
लाश को पंचनामा के लिए क्यों नहीं भेजा? सीआईडी वालों ने मना किया है, वो लोग आते ही होंगे। एक मजदूर का एक्सीडेंट हुआ है, ये सीआईडी वाले इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे? सवाल बहुत करते हैं। सर, किसी ने हाथ तो नहीं लगाया लाश को? नहीं सर। सबसे पहले किसने देखा सर? ये छोटू ने देखा है। जी छोटू ने। पंकज रिसर्च करो। कब देखा तुमने इस लाश को और उस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे थे? साहब वो सुबह जा रहे थे और तभी देखा तो। सरकार बोल बोल के थक गई कि खुले में नहीं करना चाहिए, और तुम लोग होके मानोगे नहीं, कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं तुम्हारी? नहीं नहीं सर, वहाँ पब्लिक टॉयलेट है सर। जब तुमने लाश को देखा तो सबसे पहले क्या किया तुमने? साहब मैंने मेरे भाई से कहा जाके सीधे पुलिस को बोल दो, और वो जाके लेके आया साहब को। डेड बॉडी को हमें से किसी ने भी हाथ नहीं लगा। सर मैंने बटुआ निकाला ताकि इसका एड्रेस पता चले। सर देवी नाम है इसका। सर शर्ट के अंदर से ये मिला? सर ये तो वो पॉकेट चोर टाइप्स लगता है। लगता है ये अपने साथ कुछ छुपा के लेके जा रहा था, पर शायद किसी को इसके बारे में पता चल गया था। उसने शायद ट्रेन में इसके ऊपर हमला किया, और इस पाउच में जो कुछ भी था वो उसने ले लिया, और शायद चलती ट्रेन से इसे बाहर फेंक दिया। सर ये यहाँ कुछ है? रिपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मेरे हस्बैंड को किसने? अब इन सब बातों से क्या फायदा बाद? देवी वापस तो नहीं आएगा ना? इस वक्त आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से कुछ नहीं होगा, मैं सही कह रहा हूं? सही नहीं, एकदम गलत बोल रहे हो। अंदर कैसा है? कौन हो तुम? सीआईडी। क्यों क्यों नहीं जाना चाहिए पुलिस के पास? ये जानते हुए भी कि देवी का खून हुआ है? हाँ शायद ये जानते हैं, हाँ इसलिए नसीहत दे रहे हैं पुलिस के पास ना जाने के लिए। क्यों कोई पुलिस के झमेले में पड़ेगा? हाँ वैसे आप है कौन और देवी को कैसे जानते हैं? जी मैं किशन चंद, देवी मेरा अंगड़िया था और मेरे हीरे लेके जा रहा था। और क्या कीमत होगी उन हीरो की? 25 करोड़ सब गए। नहीं 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 सब नहीं गए, ये अब हमारे पास रहेंगे केस सॉल्व होने तक एविडेंस के तौर पे। डायमंड्स तुम्हारे ही थे या तुमने किसी और से चुराए थे? नहीं मेरे ही थे। एक बात समझ में नहीं आई, अब इतना नुकसान हुआ तुम्हारा तो फिर रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाना चाहते? वो एक्चुअली ब्लड डायमंड थे। ब्लड डायमंड? हाँ गैर कानूनी हीरे जो बाहर के देशों से बिना लीगल सर्टिफिकेट के इंडिया में स्मगल किया जाता है। अब समझ में आया क्यों नसीहत दे रहे थे रिपोर्ट ना लिखवाने की। रिपोर्ट करोगे तो खुद भी फंसोगे ना, तुम्हारा सच जो सामने आ जाएगा। वो तो आके ही रहेगा, क्योंकि डायमंड की रॉबरी के साथ साथ अब तो मर्डर केस भी जुड़े हुए हैं। दो नहीं सर, 3। 2 हफ्ते पहले ऐसे ही रेलवे ट्रैक पे एक और अंगाड़िया की लाश मिली थी, सूरज नाम था इसका। इन चोरों को जल्द से जल्द रोकना होगा,
वरना पता नहीं और कितनी लाशें मिलेगी पटरियों पर। सर फर्स्ट टाइम हो तो ट्रेजेडी होती है, सेकंड टाइम कोइंसिडेंस, और अगर तीसरी बार हो तो प्लानिंग है सर। सर डेफिनेटली इन चोरों ने अंगड़ियों का सीक्रेट नेटवर्क क्रैक कर लिया है। अब हमें इन चोरों का नेटवर्क क्रैक करना होगा। ये सूरज किसका अंगड़िया है? कोई आनंद राव का था। मनीष, देवी, सूरज, तीन अलग अलग अंगड़ियों के तीन अलग अलग सेठ। मनीष का सूर्यमणि, देवी का सेठ जी किशन चंद्र, सूरज का सेठ जी आनंद राव। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये तीनों सेठ जी आपस में कभी अपने अंगड़ियों के बारे में जिक्र करेंगे ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता सर। ज्यादा से ज्यादा इनकी फैमिली में एक आध लोगों को पता होगा इस सीक्रेट के बारे में। इस सूर्यमणि के केस में उसके भाई और उसकी भांजी को पता था। और सर किशनचंद का बिजनेस भी उसकी फैमिली संभालती है। और सर आनंद राव का सीक्रेट सिर्फ सूरज को मालूम था। और सर ऑब्वियसली तीनों सेठों की फैमिली तो किसी को बताएगी नहीं। वही तो, अगर इन सेठजियों ने किसी को नहीं बताया, सेठजियों के फैमिली ने किसी को नहीं बताया, तो फिर अंगड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन दी किसने? तो हो सकता है कहीं इन अंगड़ियों ने अपनी फैमिली में बता दिया हो। सर मैंने कहा ना आपसे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सूरज अंगाड़िया है या फिर ऐसा कोई काम करता है। वो तुम्हारा भाई था, तुम लोग एक ही घर में रहते हो और तुम्हें पता नहीं चला? तुमने कभी पूछा नहीं उससे कि इतनी बार ट्रेन में आता जाता कहाँ है वो? सर सुबह को काम पे जाता था, रात को वापस लौट के आता था। सर वो बोलता था कि सेल्समैन है, काम के लिए सफर करता है। और अपने साथ करोड़ों के हीरे लेके जा रहा था और तुम्हें पता नहीं चला? नहीं, डर लगता होगा ना, कहीं किसी को बता दिया तो काम ना चला जाए। काम तो गया ही और बेचारे की जान भी। सर ये तीनों अंगड़िया कुछ ज्यादा ही वफादार थे सर। इनकी फैमिली में किसी को आइडिया भी नहीं था कि उनके घर में कोई अंगड़िया है। सर इस देवी की वाइफ को मालूम था, लेकिन उसका इनमें से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। ये तीनों के तीनों सेठ लोग अपने अपने अंगड़िया का बिजनेस चुपचाप तरीके से कर रहे थे, किसी को कुछ पता भी नहीं था। फिर ये सब हो रहा है कैसे? कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। एक कनेक्शन है सर। क्या? ट्रेन। ये तीनों अंगड़िया ट्रेन में सफर कर रहे थे मुंबई से गुजरात, और उसी दौरान इनका मर्डर हुआ है। हाँ सर, किसी को पता चल गया होगा कि ये लोग कब और कौन सी ट्रेन से आ जा रहे थे। पर कैसे? ये सेठ लोग अपने अंगड़ियों के साथ पूरी प्लानिंग अपने ऑफिस में करते हैं सर, बंद कैबिन के अंदर। तो हो सकता है इन सेठ लोगों के कैबिन में कोई तो तीसरा है जो इनकी सारी प्लानिंग देखता है, सारी प्लानिंग सुनता है। सर यू मीन स्पाई कैमरास? सर अभी जाके कैमरा चेक करते हैं। अरे यार वहां कैमरा लगा होगा तो उसमें हम भी दिख जाएंगे ना भाई, जाके नहीं देख सकते, देखने वाला अलर्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं पूर्वी, इस सूर्यमणि, किशनचंद और आनंद राव तीनों को अभी के अभी ब्यूरो बुलाओ। इन तीनों को एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बेचते हैं। धंधे के टाइम पे इधर बुला के रखा है, ये कोई तरीके? जिन्होंने हीरे चुराए वो बाहर हमारे पैसे से बैठ के ऐश कर रहे और हम यहाँ बैठ के सड़ रहे। जरा बताओगे भी हमें यहाँ क्यों बुलाए? हमें तो लगा कि आप चोरों को पकड़ के हमारे हीरे वापस दिलवाओगे, हमारी मदद करोगे, लेकिन आप तो उल्टा हमें ही परेशान कर रहे हो। आप लोग प्लीज थोड़ा सब्र कीजिए। सॉरी आप लोगों को हमारा इंतजार करना पड़ा। ये सब क्या है, कब से हम यहाँ बैठे हैं, कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? और ये मैडम कुछ सॉफ्टवेयर बेचने की बात कर रही है। देखिए हम कुछ नहीं बेच रहे हैं। हमारे ऑफिसर पूर्वी, तुम तीनों की कंप्यूटर सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बहाने पूरे सिस्टम को चेक करेंगे। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, हमें यह देखना है कि आप लोगों के कंप्यूटर में कोई सीक्रेट माइक्रोफोन या स्पाई कैमरा तो नहीं लगा है,
जिसकी मदद से लोग आपकी बातें सुन रहे हो, तो सीधे सीधे चेक कीजिए ना, ये एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? अगर कोई खुफिया कैमरा होगा तो हम भी दिख जाएंगे, जिसने चोरी की वो चौकन्ना हो जाएगा। कॉमन सेंस है ना सर? समझ में है, इसलिए ऑफिसर पूर्वी को एक्टिंग करनी पड़ेगी और तुम तीनों को भी। Excuse me, sir. अगर आप ऐसे हमारे सर पे खड़े रहेंगे ना तो हमसे काम नहीं होगा। Please tell him. लेकिन हमें कैसा पता चलेगा आप क्या कर रहे हो? Doctor, relax, please. Sir, please, आप जाके यहाँ से बैठ जाइए। हम लोग जैसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा हम आपको बुला लेंगे। Please, जाइए ना सर। अरे नए सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है चाचू? हाँ भाई साहब, नए सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है? नया सॉफ्टवेयर है, आपके ही बिजनेस को बहुत फायदा होगा। Let me do it. Please. अब बोल रही हैं फायदा होगा तो लेट इट डू डन। लेकिन इसको करना कैसे? आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू। बेसिकली देखिए क्या होता है, जैसे आपका कंप्यूटर होता है उसमें अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो फिर जितने भी फायर वॉल्स हैं वो कोई भी पेनिट्रेट करके आपके कंप्यूटर में आके सारी फाइल्स उड़ा सकता है। तो आप ये फाइल्स, आपकी इतनी सिक्योर फाइल्स हैं, आपकी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, उसको आप ऐसे सेफली रखना पड़ेगा ना। इसलिए हम लोग दुनिया का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी इशू नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सब मिल गया। सर मैंने तीनों के कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क की कॉपी बनाई और तीनों में सेम चीज है। वायरस? सर वायरस नहीं, रैट। रैट मतलब चूहा? ये तीनों कंप्यूटर में चूहा कहां से घुस गया? सर चूहा नहीं, RAT, रैट, रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी, जिसे कोई कहीं भी बैठकर आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, वेब कैमरा ऑन करके देख सकता है, माइक्रोफोन ऑन करके सुन सकता है, एनीथिंग। कमाल, ऐसा हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। सर मैंने खुद डॉक्टर सालुंके के लैपटॉप पे रैट इंस्टॉल किया है। क्या? डॉक्टर सालुंके का? कैसे? सर मैंने उन्हें एक जोक ईमेल किया और जैसे ही उन्होंने मेल ओपन किया मुझे नोटिफिकेशन आ गया और बस मैंने रैट इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, तो हम लोग डॉक्टर सालुंके का कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं? यस सर। दिखाओ दिखाओ। देखे तो सही, ये फोरेंसिक लैब में बैठ के करता क्या है? सर ये देखे। तो तब तक मैं वो सैंपल चेक कर क्यों?
सर डांस एंड ऑल आई मीन कुछ स्पेशल आज डांस डांस तुमने देख लिया अरे मैं नहीं, नहीं, नहीं लेकिन एक बात सुनो सुनो तुमने देख लिया मगर किसी और को मालूम नहीं अच्छी बात है करना ये देखो शैतान को याद किया शैतान हाजिर Think about very ladies. Hello, अभिजीत सर जी कैसे हैं आप अभिजीत सर मैंने तो सुना था कि आपने मेरा नाम बदल के डेविल रख दिया है हाँ सर वैसे मैंने भी आपका नाम बदल कर माइकल जैक्सन रख दिया है क्या डांस करते हैं सर आप हैं डांस करता हूँ मैं तुम्हें क्या सुना तुम्हें अबे संकेत तारिका को घूर के क्यों देख रहा है तू हैं पता चल गया है मुर्दों के साथ डांस करता है तू पागल हो गया है तू पैकेट इसके पास जा पहले तेरा कंप्यूटर एक्सेस किया है हमने लैपटॉप लैपटॉप सर तो इस तरह से इन तीनों अंगड़ियों की इंफॉर्मेशन लीक हुई थी सर हाँ रैट पूर्वी ये अंगड़ियों के ऑफिस में रैट किसने इंस्टॉल किया था पता लगा सकते हो सर मैं ट्राई किया था नॉन ट्रेसेबल आइडिया सर जो भी है बहुत स्मार्ट है चुपचाप बैठकर सब देख रहा था और किसी को कुछ पता भी नहीं चला रैट का इस्तेमाल किया तो चलो कोई बात नहीं अब हम भी उसके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलेंगे आप प्लीज बैठिए मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ थोड़ा तो दिमाग ठंडा होगा उससे अगर दूध पीने से लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो और क्या चाहिए 50 करोड़ के हीरे भेजने गुजरात आज के आज अरे देवी के बारे में सुनने के बाद कोई भी अंगड़िया काम लेने के लिए तैयार नहीं है करेंगे क्या भाई आप टेंशन मत लीजिए मैंने बात कर ली है किससे बात की है एक यूपी की पार्टी है अपने काम के पक्के लोग हैं इतनी सारी चोरी हो रही है फिर भी चोरी तो क्या कोई उनका हाथ भी नहीं पकड़ सकता आप रिलैक्स रहिए वो अपना टॉप का आदमी भेज रहे हैं आपसे कोई मिलने आया है लगता है शायद वही होगा मैं उसे लेके आता हूं ये लीजिए आप रख दीजिए आप नमस्कार सेठ जी ये तुम्हारा आदमी ये काम करेगा अरे सेठ जी बिल्कुल काम करेंगे आप बिल्कुल भी चिंता करने की कोशिश मत करिए हम बहुत बड़े कलाकार हैं हम पे किसी को शक नहीं होगा कलाकार अरे अब क्या बताएं सेठ जी बचपन में हमने बड़े ही नौटंकियों में काम किया था क्या मुंबई में आए थे हीरो बनने पर किस्मत ने साथ दिया नहीं हीरो तो नहीं बने लेकिन अब हीरो के बॉडी गार्ड बन गए सेठानी जी बड़े बड़े हीरो के बॉडी को गार्ड किया हमने पर्सनल सिक्योरिटी में थे उनके हम उसके बाद हमको अंगड़ियों के बारे में पता चला हमने तो डिसाइड कर लिया कि हम अंगड़िया बनेंगे क्योंकि इस काम में क्या है कि पैसे ज्यादा मिलते हैं और हमारी एक्टिंग भी चलती रहती है किसी को पता ही नहीं चलता है किसी को हम पे शक भी नहीं होता कौन भाई ये बूढ़ा आदमी करोड़ों के हीरे लेके जा रहा है किसी को तक नहीं होता सेठानी जी हीरे ले जा सकोगे और किसी ने छीन लिया तो अरे देंगे घुमा के अरे मतलब सर ऐसा लपड़ मारते हैं ना बत्ती सी मुंह से पेट में चली जाती है हल्के में मत लीजिएगा सेठ जी बचपन में पूरा कराटे का कोर्स किया हूं मैं एक मार दो ना नारियल के दो टुकड़े हो जाते हैं दो टुकड़े भरोसा रखिए हम भरोसा करने के से और कर भी कह सकते हैं मुझे माल कितने का है 50 करोड़ 50 करोड़ तो डर गए झूठ नहीं बोलूंगा सेठ जी डर तो लगता है लेकिन अगर
जोखिम उठाने का दाम सही मिले तो डर कम भी हो जाता है। 5 लाख लगेंगे। 5 लाख? 5 लाख ठीक है दी। अरे तो फिर ठीक है, समझ लीजिए कि आपके हीरे पहुंच गए गुजरात में। निकले लाई हो कि नहीं? अरे इतना लंबा सफर है, 2 महीने हुए नहीं है शादी को, अभी से भूखा मार रही है मुझे। अरे ताली देना यार। साड़ी साड़ी ले लो, साड़ी सूरत की साड़ी, बढ़िया बढ़िया साड़ी, सूरत की साड़ी ले लो। सुनो भैया, भाभी जी साड़ियां देंगे, ये देखो। हाँ हाँ दिखाओ, खूबसूरत है एकदम फैशन। अभिजीत अगले स्टेशन पे चढ़ने वाला है, सब लोग तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। चाय देना भाई। लीजिए। कितने की है भाई? 10 रुपया। 10 रुपए की चाय? अबे चाय बेच रहे हो कि लूट रहे हो भैया? चाय बेच रहे साहब। इधर 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 इधर। अरे साहब साहब पैसा वो बाद में, भाभी जी गए बाथरूम उनसे लेना। जी साहब। हाँ आप लेंगे? और दिखा। हाँ हाँ दिखाओ। ये Thank you.
अभिजीत क्या हुआ? हेलो पंकज, देखो क्या हुआ अभिजीत को, सब लोग वहीं पे आओ जल्दी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.